छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती करने वाली संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग के विश्वसनीयता पर अभ्यर्थियों और भाजपा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। पीएससी 2021 के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप के साथ भाजपा पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। याचिका में 18 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जिनकी नियुक्ति पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। याचिका में बताया गया है कि आयोग के एक सचिव के रिश्तेदार को डिप्टी कलेक्टर के पद पर तो वहीं राज्यपाल के एक सचिव के बेटे बेटी को भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पीएससी के चेयरमैन और कांग्रेसी नेताओं के करीबियों को मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है, जिसके चलते होनहार बच्चों को नीचे और छोटे पोस्ट दिए गए हैं। इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जांच के निर्देश दिए हैं। 2018-19 से लेकर और 2023 तक सीजीपीएससी में जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो सब लेन देन के आधार पर हुई हैं, या अधिकारियों के बच्चे या नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 20 लाख से ज़्यादा युवा सीजीपीएससी के भ्रष्टाचार, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, चाहे फिर वो जितनी भी प्रकार की भर्तियां हैं, सभी भर्तियों में सीजीपीएससी में भ्रष्टाचार हुआ है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक है।